हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के अंदर फॉरेस्ट रेंजर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। जैसे हमने ग्रुप 7 की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर को देख लिया है, तो इस वीडियो में देखेंगे फॉरेस्ट रेंजर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, 35,400। अगर बात करें ग्रुप 56 के अलावा, अगर सबसे रिलैक्सिंग जॉब है एंड अच्छे स्टेटस के साथ, तो वो फॉरेस्ट रेंजर ही। यहाँ पे काफी स्टूडेंट के जो लाइक डाउट थे कि क्या 3 स्टार है फिर 2 स्टार। फर्स्ट ऑफ ऑल, 3 स्टार जॉब है एंद बहुत ही अच्छी जॉब है, वन ऑफ द बेस्ट जॉब है हरियाणा के अंदर, 35,400 बेसिक पे के अंदर एंड सबसे कम वर्कलोड में। ठीक है, अभी ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये अलग अलग रीजन के नाम है जो फॉरेस्ट एरिया है हरियाणा का। एक तो आपको पता होना चाहिए, इसका मेन काम ये है कि हरियाणा के अंदर जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना एंड उस एरिया को इंक्रीज करवाने के लिए जितने भी प्रयास है फॉरेस्ट रेंजर पे, लाइक कहीं पे भी इलीगल अगर इनकी ट्रांसपोर्टेशन कोई कर रहा है उसको रोकना, कोई पेड़ काट रहा है, तो इन सब पे निगरानी आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है कि हिस्सा। ठीक है, डिप्टी रेंजर की पोस्ट है, डिप्टी रेंजर कुछ साल बाद फॉरेस्ट रेंजर प्रमोट किए जाते हैं, जैसे आप इन पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिप्टी रेंजर इनको प्रमोटेड एज फॉरेस्ट रेंजर, लाइक इन्होंने ज्वाइन किया है 1995 में, ठीक है, एंड 55 साल के 2022 में हुए हैं, 58 साल के तब हो जाएंगे एंड अप्रोक्सीमेटली इनको अब फॉरेस्ट रेंजर बना दिया गया। देखो यहाँ पे थोड़े से प्रमोशन कम है बट अच्छी जॉब है। सेकंड चीज, जो फॉरेस्ट रेंजर बनते हैं उनका प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है, तो उनको आपका डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बनाया जा सकता है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बनाया जा सकता है हरियाणा फॉरेस्ट सर्विसेज में एंड उस लाइक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में चांस बहुत ही कम है, बट आपका लास्ट प्रमोशन मान सकते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो कि आईएफओ जिनका बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि अम्बाड़ा के अंदर आपका अम्बाड़ा मोरनी पिंजोर ये वाले फॉरेस्ट एरिया जाएंगे। देखो ऑल ओवर हरियाणा के अंदर पोस्टिंग होगी, आपके जो भी आसपास का एरिया है, जैसे यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, विजेंद्र सिंह, एक सेकेंड, कुछ फॉरेस्ट रेंजर थे, सॉरी हरियाणा फॉरेस्ट सर्विसेज के जो कैंडिडेट है उनका है, उनकी डिटेल्स दी गई थी। बट एक दो चीज मैंने कंफर्म की अपने सोचे थे, जो अभी फॉरेस्ट रेंजर है तो उनके हिसाब से आपकी लोकेशन पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पे भी आ सकती है। तो यहाँ पे 2 साइट है, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये दोनों मिलकर काम करती है, बट आप जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, एंड हरियाणा जैसे आपको पता होगा सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है, तो टारगेट ये है कि फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करना है, अलग अलग प्रोग्राम चलाने हैं एंड आपके अंडर में कौन कौन होंगे, डिप्टी रेंजर आपके अंडर में रहेगा एंड फॉरेस्ट गार्ड आपके अंडर में होंगे और जितने भी लाइक जो वर्कर्स हैं वो आपके अंडर में। ठीक है, तो वो सारे आपको रिपोर्ट करेंगे, आप फर्दर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एंड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर इनके अंडर में काम करोगे एंड व्हीकल भी असिस्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि अगर नाइट में अगर पेट्रोलिंग करनी है तो इजीली कर पाए। थोड़ा सा लाइक डिफिकल्ट सिचुएशन तो हरियाणा में नहीं है, बट जो पंचकुला वाला एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट अच्छे हैं, तो वहाँ पे एज ए चैलेंजिंग और अपॉर्चुनिटी दोनों टास्क हैं। थोड़ा सा गुरुग्राम की साइड, बाकी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फॉरेस्ट है, गाँव के अंदर भी जो फॉरेस्ट है, जो पीडीएफ आपने पहले देखी थी, इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का हर एक गाँव जहाँ पे भी अच्छा खासा फॉरेस्ट है, तो उसकी रिपोर्टिंग इनके पास है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ताकि आप नहीं पता कौन से में थी, बट उसमें मैंने जो चेक किया है हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, एंड जो प्रायोरिटी वाले हैं उसमें है पंचकूला, कुरुक्षेत्र, कैथल, गुरुग्राम, यमुनानगर। इसके अलावा जैसे 78 पोस्ट है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इनको एक जगह नहीं रखना है। हाँ, इनकी ट्रेनिंग होगी, फिजिकल भी चैलेंजिंग है, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेन भी किया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा सा होता है इसके अंदर, वो आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है, एग्जाम लेके आए, तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। ठीक है, घबराने कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा बर्डन नहीं, बहुत अच्छे से आप इसमें एज ए बेल्ट की नौकरी भी कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कई जॉब में क्या होता है आपकी जो सोशल लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है,
ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एंड जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद हम सेपरेटली देख लेंगे अगर आपकी पोस्टिंग है। एंड आपकी जो प्रायोरिटी है वो यही होनी चाहिए कि एटलीस्ट मेरे को जॉब मिले, बाकी चीजें बात की बात। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।